दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। ओटीपी पूछकर 10 लाख रुपए नकदी की ठगी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ करने के बाद 9,89,000 रुपए नकदी, पासबुक, एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में मुसर्रफ अंसारी पिता गफ्फार मियां, उम्र 29 वर्ष, निवासी करमाठाण जमताड़ा झारखंड, मनुवर अंसारी पिता मुस्तफा अंसारी, उम्र 30 वर्ष, निवासी करमाठाण जिला जामताड़ा, और फैज आलम पिता मोहम्मद मंसूर अली, उम्र 20 वर्ष, निवासी रिंगो चिंगो जिला जामताड़ा झारखंड को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने डॉक्टर पीसी द्विवेदी के खाते से ओटीपी लेकर 10 लाख रुपए निकाला था, जिसकी शिकायत अमैया थाने में दर्ज कराई गई थी। घटना की जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में खाते में रोक लगवा दिया था। साइबर की मदद से पुलिस ने आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि आरोपियों ने वारदात के संबंध में पूछताछ पर बताया कि गिरोह का एक सदस्य कंप्यूटर एक्सपर्ट है, जिसके संबंध में जानकारी रखता है, विभिन्न बैंकों की फर्जी वेबसाइट का सहारा लेकर बनाता था और उसको गूगल पर अपलोड कर देता है। जब कोई बैंक कस्टमर खाते संबंधी समस्या आने पर संबंधित बैंक के कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर सर्च करता है, वहां पर इनकी वेबसाइट खुल जाती है, जिन पर इनके द्वारा प्रदान किया हुआ नंबर उपलब्ध होता है। जैसे ही कस्टमर उस दिए नंबर पर फोन लगाता है तो बैंक कर्मचारी बनकर बात करते हैं और उससे खाते की गोपनीय जानकारी हासिल कर पैसे उड़ा देते थे। पकड़े गए आरोपियों के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि पूछताछ की जा रही है, जिनसे और ठगी के मामलों का खुलासा होने की संभावना है। आपको बता दें कि पुलिस की सक्रियता के चलते डॉक्टर पीसी द्विवेदी के उड़ाए गए पैसे वापस हो गए। आइए सुनाते हैं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने क्या कहा। ये रीवा में अपने डॉक्टर द्विवेदी हैं, इन्होंने 21/4/2022 को एक अमैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खाते से 10 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, किसी ने निकाल लिए हैं। उस पर से थाना अवैया में अपराध क्रमांक 154/22 धारा 420 के तहत पंजीबद्ध किया गया और उसको विवेचना में लिया गया। एसपी साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें साइबर की टीम, थाना प्रभारी अमैया के साथ में उनकी टीम, और इस तरह से उस टीम की पतासाजी के लिए लगाया गया। जानकारी लगी कि इसमें जो आरोपी हैं, जिन्होंने ये घटना कारित की है, वो जामताड़ा झारखंड के रहने वाले हैं। वहाँ पर जाकर पुलिस के द्वारा तलाश किया गया, दबिश दिए गए, तो अलग अलग जगह से झारखंड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन आरोपियों के कब्जे से 10 लाख में से 9,89,000 रुपये, 6 एटीएम कार्ड और 3 पासबुक जब्त हुई हैं। आरोपियों से अभी पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी अमैया और जिले के अन्य थाना क्षेत्रों से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ साथ मेरे पास सिंगरौली से भी एडिशनल एसपी साहब का फ़ोन आया था, वहाँ भी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसके संबंध में वहाँ की पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है। इसके साथ साथ क्योंकि ये अंतर्राज्यीय गैंग है और ये कई राज्यों में इस तरह की गुट के रूप में वारदातें करते हैं, इनकी पूछताछ के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं। एक कंप्यूटर का जो जानकार व्यक्ति होता है वो इनके ग्रुप का मेम्बर होता है और वो बैंक और डिटेल संबंधी जानकारी जो जुटाई जा सके ऐसा एक वेबसाइट बनाता है और उसको गूगल पे अपलोड कर देता है। जब आपको या किसी व्यक्ति को अपनी बैंक संबंधी कोई जानकारी चाहिए है तो जब भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो इनकी वेबसाइट भी उसमें खुल जाती है। जब वो वेबसाइट खुलती है और गलती से अगर कस्टमर उसकी वेबसाइट पर क्लिक करता है और उसमें जो फ़ोन नंबर आता है और कस्टमर अगर फ़ोन लगाता है तो वो बैंक का कर्मचारी बनकर ये लोग क्या है कस्टमर से संबंधित जानकारी जान लेते हैं और जानकारी जानने के बाद इनसे एक फॉर्म भराते हैं ऑनलाइन ही, जिसमें बैंक संबंधी सारी डिटेल होती है, जिससे इनके पास सारी वो डिटेल पहुंच जाती है। डिटेल आने के बाद फिर ये उससे कस्टमर के सारा जो पैसा रहता है अकाउंट में अपने साथियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उससे फिर इसको एटीएम के माध्यम से निकाल लेते हैं या फिर उसका ऑनलाइन परचेजिंग में यूज कर लेते हैं। इस तरह से ये क्राइम करने का इनका तरीका था, इस तरीके को अपनाते हैं। रीवा पुलिस की तरफ से जो टीम गई थी उस पुलिस टीम में साइबर सेल के गौरव मिश्रा सब इंस्पेक्टर हैं जो अमैया थाने के थाना प्रभारी, और बाकी साइबर टीम के द्वारा और अमैया थाने की अन्य टीमों के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इन सभी को बहुत अच्छे से पुरस्कृत किए जाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश हुआ है कि इनको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके अलावा भी और इससे जुड़े और जो तार हैं और इस तरह की जो और वारदातों का खुलासा है वो भी भविष्य में संभव है हो जाए।